अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी व्यूअर्स, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी तक जो हमने काम किया था वो उन यूज़र के लिए था जो 2019 का तक का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा वर्क फ्लो मतलब उन्हीं के लिए था कि वो जो इस ऑप्शन से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे वो वर्किंग 2019 तक के यूज़र के लिए थी, ठीक है। तो 2019 के बाद जो है 2020, 21, 22 और 23 के जो यूज़र हैं वो इस ऑप्शन से जो है इस ऑप्शन ये जो एप्लीकेशन ऑटोडेस्क ने डिज़ाइन की है, ठीक है, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन की हुई है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है। ये ऑटोडेस्क ने 2019 में लॉन्च किया था, ठीक है, जो बाई डिफ़ॉल्ट पहले 2019 का वर्जन आया था उसमें ये नहीं था, ठीक है, और उसके बाद जो उसमें अपडेट्स आई थी, ठीक है, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन लॉन्च की थी। और बकायदा ये जो है 2020 जो वर्जन आया था उसमें ये बकायदा इंक्लूडेड थी, ठीक है। और ये ऐप काम कैसे करती है, ठीक है, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है इसमें वो यही है, ठीक है, कि ये वर्किंग कैसे करती है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि इसकी वर्किंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जिन यूज़र के पास ऑटोडेस्क का अकाउंट है, ठीक है, वही यूज़ कर सकेंगे इसको, ठीक है। जिनके पास ऑटोडेस्क का अकाउंट नहीं है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऑटोडेस्क का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ये है आप ऑटोडेस्क वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्किंग तभी करेगी जब आप ऑनलाइन होंगे, आपके पास अपने आईडी में जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे, ठीक है, आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहली ऑप्शन जो है इसको यूज़ करने के लिए जो पहली शर्त है वो यही है कि आपने ऑनलाइन यूज़ करना है इसको, ऑफलाइन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लास्ट जो हमने काम किया है, ठीक है, ये वही सेक्शन मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा 22 का हमने जो एक्सेल एक्सपोर्ट की थी रिपोर्ट जो है सिविल 3D से, उसका जो पहला सेक्शन था अगर आपको जहन में हो तो उसमें दो तीन पॉइंट थे बस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेम जो है चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। तो मैं इसको जैसे जैसे मूव करता हूँ आप लोग देख सकते हैं सेक्शन व्यू आपके सामने अपडेट होके आ रहा है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिटेल से भी इंशाल्लाह देखेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं थोड़ा सा सेक्शन के व्यू दिखा देता हूँ आपको कि वो जो सेक्शन हमने वहाँ पे सिविल 3D में क्रिएट किए थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये ऊपर जो है PGL की लाइन है और ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये OGL की लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो को आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी और ये न्यू ऑप्शन है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हम ट्राई करने वाले हैं इसमें, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि ये जो इम्पोर्ट किए हमने दो, ये जो पॉइंट इम्पोर्ट किए थे हमने, इनकी हमने दो रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट की थी और फिर हमने उसको कंबाइन किया था। तो अभी हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में यही जो रिपोर्ट है पहले सिंगल में कैसे ले सकते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो पॉइंट हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट है मेरे पास, अलाइनमेंट है, ओके, तो ये अलाइनमेंट के साथ आ गए हमारे, ओके। अभी इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलाइनमेंट जो है हमारी ये जो पॉइंट है इनको मैंने पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अलाइनमेंट सेलेक्ट की। ये है कंपेयर टू, कि आपने इसको कंपेयर किस चीज़ से करना है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो शो हो रहा है वो ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन ही शो हो रहा है। तो ये वही नॉर्थिंग और ईस्टिंग है जो लास्ट में हमने
सिवल 3D से एक्सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो अभी हमने इसमें अपना डाटा ऐड करना है, तो इसके लिए ये जो लेआउट टैब है इस पे हम जाएंगे लेआउट टैब में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मेट सेलेक्ट करने वाला हूँ वो ये थर्ड वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें स्टेशन ऑफसेट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें ये जो रॉ डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं इनको जो है वो अनचेक करता हूँ। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ चाहिए वो कंपेयर्ड ऑफसेट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स वाई बस चाहिए मुझे, जेड वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कुछ ऑप्शन मैंने इसमें से अनचेक कर दिए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं हमारे स्टेशन ऑफसेट इसमें आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, ऑफसेट आ गए। तो अभी इसमें हमारे स्टेशन नहीं आए, तो स्टेशन भी मैं ऐड करता हूँ इसमें। ये कंपेयर स्टेशन भी चाहिए हमें। ओके, तो ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पे ऑफसेट आ गए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट रिपोर्ट को हम अभी एक्सपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमने इसमें क्या आउटपुट ली है, क्या ये वाकई इसमें कुछ आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे है ऐड पॉइंट ग्रुप टू ऑब्जेक्ट सेट, तो मैं इसमें न्यू ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ। ओके, तो मैं इसको दे देता हूँ ओजीएल पॉइंट्स। ओके, और मुझे ये एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे इतने फॉर्मेट हैं, आप डायरेक्ट ऑटो कैड टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, और पेपर स्पेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं इसको। ये बहुत सारे फॉर्मेट इसमें गिवन है, इनको हम बारी बारी वन बाई वन बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हम ट्राई करने वाले हैं वो हमने इसको एक्सेल में लेके जाना है। तो मैं ये जो पहले मैंने इधर इसको नाम दिया है और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेल फाइल सेलेक्ट किया है और ओके किया है। तो ये सक्सेसफुली जो है ये लोडेड हो गया है। ठीक है, अभी ये जो ऑब्जेक्ट सेट बना है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये एक्शन सेंटर में अभी यहाँ पे ये आ गया है पॉइंट। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और मैं रन सेलेक्टेड एक्शन करता हूँ। ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी वो बोल रहा है डू यू विश टू ओपन द फाइल नो, मैं इसको यस कर रहा हूँ कि जी हमने ओपन करनी है। ठीक है, तो ये वही फाइल है जो अभी हमने क्रिएट की थी। ओके, तो यहाँ पे ये आल पॉइंट हैं, इनमें हमारे पास ये पॉइंट एक्सपोर्ट होके आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ एक्यूरेटली जो है इसमें आ गई है। तो इसमें जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, और ये वाला जो फॉर्मेट था, ओके, यहाँ पे हमने उधर रिमार्क्स का कॉलम ऐड किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये जो रिपोर्ट है बहुत इजीली हमने इसमें हासिल कर ली है। ठीक है, ये सारे इसमें हैं, आप इनको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें रॉ वगैरह जो भी आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये मुझे नहीं चाहिए स्पोर्ट। ओके, और यहाँ पे जो है इसको मैं सेंटर करता हूँ लाइन। ओके, ऑलरेडी जो है इसमें शेडिंग सब कुछ है। ठीक है, आप इसको बहुत इजीली जो है वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
तो ये जितने भी इसमें एरर आ रहे थे, ठीक है, वो सारे अभी सॉल्व हो गए। ठीक है, अभी आप इनको, ये जो कंपेयर स्टेशन लिखा है, इसको आप सिर्फ स्टेशन कर दें, ओके। और ये ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन है और ये ऑफसेट का डाटा है। आगे आप रिमार्क्स लिख के इसको, ठीक है, रिमार्क्स लिख के आप इसको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ये तो थी एक रिपोर्ट, ठीक है। अभी हम अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो एक चार से वीडियो है, मैं नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन का डाटा आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।